एके जैन साहब, क्या ये LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और बाकी सारे महकमों को ये अंदाजा नहीं था कि ये सेंसिटिव है मसला, हिंसा हो सकती है, होने दिया गया क्या? प्रिवेंटिव मेजर लिए जाते तो ये सब चीजें देखने को ना मिलती? इस संबंध में DMSP ने वेरिफिकेशन दिया है, LIU की जो रिपोर्ट थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिपोर्ट थी, उससे बढ़ चढ़कर वहां पर फोर्स लगाया गया, तैयारी की गई थी कि अगर कोई किसी प्रकार की वायलेंस कोई करता है तो उसको उसको कंटेन किया जाता, ये तैयारी पूरी थी। और ये मेंशन भी किया है उन्होंने कि फोर्स हमने ज्यादा ही लगाया। आप फोर्स को देखेंगी, फोर्स को देख के आपको लगेगा कि वो बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, केन शील्ड सब लगाए हुए हैं जी। ये तभी लगाते हैं पुलिसकर्मी क्योंकि वो भारी होते हैं, ये सब तभी लगाते हैं जब ये आशंका रहती है कि पथराव हो सकता है, गोली चल सकती है। तो ये तैयारी थी, SP स्वयं मौजूद थे, हेलमेट के पहने हुए सारे लोग थे। जैसे एक पोजीशन होती है हमारे यहाँ कहलाती है बैटल रेडी पोजीशन में थे कि कभी भी कुछ हो सकता है, उसकी तैयारी थी। और अगर ये तैयारी ना हुई होती तो मेरा मानना है कि बहुत पुलिसकर्मी इसमें जान गंवा सकते थे और घटना और बड़ी हो सकती थी। क्योंकि जिस तादाद में लोग निकले हैं, मैंने अपनी 36-37 साल की सर्विस में यूपी में कभी इस प्रकार का पथराव नहीं देखा है जो कि यहाँ पर हुआ है। तो ये क्या है, किसने ऑर्गेनाइज किया, सारे मुंह पे ढाटे लगाए हुए, मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। ये तो बिल्कुल वो JNK का बिल्कुल एक कोई एक दो जो वीडियोज आते थे उसका रिपीट है बिल्कुल, कि इस तरीके से एकदम से लोग निकल के आ गए और उन्होंने जो है पथराव शुरू कर दिया। सर अभी आप AK जैन साहब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस को अंदाजा था, पुलिस प्रिपेयर्ड थी, और पुलिस अगर प्रिपेयर्ड थी तो पुलिस को ही अंदाजा था कि इस तरीके का कोई हमला सुनियोजित जिसे आप कह रहे हैं हो सकता है, तो अचानक तो कुछ हुआ नहीं। ये देखिए, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 1000 लोग निकलेंगे कि 50 लोग निकल आएंगे कि 100 लोग निकल आएंगे। जो निकले हैं मैं उसको देख के कह रहा हूं कि इतनी तादाद में पुलिस ने भी कल्पना नहीं की होगी कि इतनी तादाद में लोग निकल के आ सकते हैं, और टूटे हुए ईंट, गुम्मे और पत्थर सब तैयारी के साथ थे। पुलिस की जितनी गाड़ियां थी, स्टिकर्स जिन पे लगे हुए थे पुलिस के, उन सबको फूंका गया है, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, सिस्टमेटिक तरीके से वहां पे वायलेंस की गई। मेरा ये कहना है कि पुलिस से आप अनावश्यक वायलेंस कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए कोर्ट में, आप उसके अगेंस्ट रिव्यू करिए। जैसा अभी जस्टिस सतीश चंद्रा ने कहा, वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज बैठे हुए हैं, आप तुरंत वहां पे मूव करिए, संभल में आपके सारे एडवोकेट्स हैं, आप शाम तक उसमें स्टे ले लीजिए। ये फेयर पॉइंट है सर, 19 को सर्वे हुआ, 20 का वक्त था, 21 का वक्त था, 22 का वक्त था, रादर टू गो टू द हाई कोर्ट ये वॉयलेंस हमें देखने को मिली। लेकिन एक पक्ष और सवाल ये भी है रोहित।